तो इस वीडियो में हम थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं और थर्ड यूनिट बेसिकली लैटिस पे बेस्ड ऑन है। टॉपिक अगर आप देखेंगे थर्ड यूनिट का तो लैटिसेस हैं, लेकिन इसमें सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले डिफिनीशन लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज आप लैटिस सीधे बोल दिया गया है, लेकिन कुछ प्रीरिक्विजिट आपको इन्फॉर्मेशन पहले से होने चाहिए, टर्मिनोलॉजी कुछ हैं जो कि वो डिस्कस करना पड़ेगा, प्रीवियस सिलेबस में सब थे, लेकिन बिना इन सब के ये समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट लैटिस आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए ज़रूरी है कुछ आप प्रीवियसली जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करें, उसको जानें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पोसेट के बारे में बताऊंगा, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पोसेट का इसमें यूज़ होगा। एक्चुअल में लैटिसेस पोसेट को ही रेफर करके बताया जाता है, और इसमें लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लीस्ट बाउंड, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं। तो डायरेक्ट अगर हम लैटिस का डेफिनेशन या लैटिस शुरू कर देंगे तो आप लोग को कभी भी नहीं समझ में आएगा। तो इस वजह से हम जो भी प्रीवियस सिलेबस था उसी को फॉलो करते हुए आपको वीडियो बना आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है पार्शियल ऑर्डर सेट। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, इसके क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। पार्शियल ऑर्डर सेट सेकेंड यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में इस पर था, तो इसको हम लोग पोसेट बोलते हैं। और पोसेट में आप एक रिलेशन होता है, अगर मान लीजिए एक सेट आर है और ऑपरेटर आपका जो दिया गया है रिलेशन संबंधित जिस से रिलेशन इस्टेब्लिश गया दिया गया है वो सिंबल ये है। तो अगर रिलेशन और इस सेट और ये जो रिलेशन है दोनों को अगर एक साथ रख दिया कि सेट है आर बेसिकली और ये आपका रिलेशन को डिनोट करने वाला सिंबल है, अगर इन दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो हम इसको पोसेट बोलते हैं। अगर आप सेट की जगह पे हम लोग यस लिख दें क्योंकि आर रिलेशन के लिए जनरली हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, तो यस अगर सेट है और वो रिलेशन को डिनोट करने वाला सिंबल है तो इन दोनों को अगर एक साथ डिनोट किया जाता है तो पोसेट कहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होता है। और कंडीशन में क्या था आप लोग को ऑलरेडी पता है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकंड, एंटी सिमेट्रिक। और थर्ड, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो दिस रिलेशन ऑन दिस सेट शुड बी रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दिस रिलेशन विल बी नोन एज दिस पर्टिकुलर सेट एंड पार्शियल, दिस रिलेशन विल बी नोन एज पार्शियल ऑर्डर एंड दिस टुगेदर सेट एंड दिस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन टुगेदर विल बी नोन एज पार्शियल ऑर्डर सेट। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है कि ए आर ए होना चाहिए, हर एलिमेंट अपने से रिलेट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट। एंटी सिमेट्रिक में आप लोग को बताया गया था कि अगर ए आर बी और बी आर ए आर बी एंड बी आर ए दोनों हैं, तो जैसा कि सिमेट्रिक में चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब है कि ए और बी अलग अलग एलिमेंट नहीं है, सेम एलिमेंट। ट्रांजिटिव इज वेरी सिंपल, ए आर बी एंड बी आर सी इज इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी ए आर सी आल्सो। तो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दीज थ्री प्रॉपर्टी शुड बी होल्ड बाई दिस रिलेशन, दैन दिस रिलेशन विल बी नोन एज पार्शियल ऑर्डर एंड दिस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन टूगेदर विद दिस सेट विल बी नोन एज पार्शियल ऑर्डर सेट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये सब आपको रिमाइंड इसलिए करा रहे हैं कि बहुत सारे टर्मिनोलॉजी
और भी यूज होंगे नए टर्मिनोलॉजी जो ऑलरेडी आप नहीं जान रहे हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे और कुछ और भी एक आध इसमें से न्यूमेरिकल समय से जो पॉइंट वाइज बता दे रहे हैं कि जैसे, और खैर ये सब पहले से ही आप लोग को बताया जा चुका है कि जेड और दिस ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इज ए पोसेट, आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एस डायग्राम बनाने में भी यूज होगा, पी ऑफ यस एंड सबसेट साइन इज ए पोसेट, बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है और हैश डायग्राम में भी यूज होगा, लैटिस वगैरह हर जगह यूज होता है, ये वाला पर्टिकुलर ये सब भी यूज होंगे। तो जेड और दिस, तो यहाँ पे हर इक्वल का साइन लगा दिया है और इस वजह केवल ग्रेटर देन होता तो रिफ्लेक्सी भी नहीं हो पाता, लेकिन इसने ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया तो फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, मतलब एवरी पर्टिकुलर इंटीजर इज greater than equal to itself, so there is no problem to be reflexive property hold। उसके बाद अगर हम एंटी सिमेट्री की बात करें तो जाहिर सी बात है अगर आप लिखेंगे 5 is greater than equal to 3, but we cannot say 3 is greater than equal to 5। अब 5 is greater than equal to 5, ये वाला 5 आप इस वाले 5 को इधर कर दीजिए और इस वाले 5 को इस तरफ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये तभी होल्ड हो पाएगा, मतलब अगर ऐसा है तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, अदरवाइज ये कंडीशन देखिए दोनों अगर इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन कभी नहीं होल्ड होगा। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट 3 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इट मीन्स व्हेन एवर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी and b is greater than equal to a, it means a and b both are equal, both are not different, both are same integer, so in your own language you can define how antisymmetric property is hold। transitive it is also easy, ab dekhiye hum to example leke bata rahe hain but kaise likhna rahega agar hum baat kare reflexive ki hi baat kare is particular question mein, अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो बहुत सीधी सी बात है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, सो ए आर ए, हेंस ए आर ए, हेंस रिफ्लेक्सिव। ये चीज़ें एक्चुअली में मैं कई बहुत पहले ही फर्स्ट यूनिट में बढ़िया से डिस्कस कर चुका हूँ, तो बहुत ज़्यादा इस पर मैं बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ। तो दिस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड, मतलब हर एक इंटीजर अपने आप के बराबर भी होता है और बराबर होता है, इस नाते ये पर्टिकुलर रिलेशन होल्ड करने में नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अगर आप एंटी सिमेट्रिक की बात करेंगे तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड A is greater than equal to B and B is greater than equal to A implies that A is equal to B. So antisymmetric लिखने आना चाहिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आप जब तक ये लिखने का तरीका नहीं डेवलप करोगे आपको सब आता रहेगा, आप कर नहीं पाओगे। ट्रांसटिव की भी बात है तो आप लिख सकते हैं फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C A is greater than b and b is greater than c is implies that a is greater than c, so and ye transitive bhi ho gaya, to is tarike se hum bata sakte hain। agar hum is question ki baat kare to isme pehle sabse pehle to ye sochna ki iske is set ke andar elements kya hai, ye cheez aapka
बहुत ज़रूरी है दिमाग में आना। तो अगर एक एग्जांपल ले लें, वही एग्जांपल बार बार क्वेश्चंस में आएगा आगे चल के, ये तो खैर जनरल क्वेश्चन है, जैसे समझने के लिए मैं केवल बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए सपोज डैट यस इक्वल टू ए बी सी, तो आप जरा सोचिए कि पी ऑफ यस क्या होगा। पी ऑफ यस इज इक्वल टू, एक तो फाई जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ए बी सी ये चार सबसेट हो गए, फिर तीन आगे वाले ए बी बी सी सी ए और ए बी सी, ये आपके टोटल जितने भी एट सबसेट्स हैं वो बन गए। इन एट सबसेट के बेस्ड ऑन ये क्वेश्चन है, तो ये हमें आना चाहिए लिस्ट करने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट इस सबसेट के अंदर है। और इसके बाद जो है, अब आप इस रिलेशन के बारे में देखिए कि होल्ड होगा कि नहीं होगा। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट पिक करिए, अगर आप इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे तो वही चीज़ है, सेम एनी सबसेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये एक सबसेट है, ये एक एलिमेंट है, दिस सबसेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि हर एक सेट ये अल्टीमेटली दिस इज सेट। ये तो ये सेट जो है ये इस पर्टिकुलर पी ऑफ यस के रेफरेंस में सबसेट है। वैसे तो हर एक सेट किसी ना किसी सेट के रेफरेंस में सबसेट होता है, इनवर्सल सेट के रेफरेंस में। यूनिवर्सल सेट का डिफिनेशन यही था, ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन विच आर सबसेट्स ऑफ द ऑफ ए स्पेसिफिक सेट इज नोन एज इनवर्सल सेट। तो इनवर्सल सेट एक स्पेसिफिक सेट होता है जिसके जिसका हर एक सेट जो एक प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए यूज किया जा रहा है उसी का सबसेट। तो यहाँ पे इसमें से हर एक एलिमेंट अपने आप का सबसेट है, सो रिफ्लेक्सिव। वही चीज़ आप लिख देंगे कि एवरी सबसेट ऑफ पी ऑफ यस विल बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब आप पी ऑफ यस के अंदर से, क्योंकि ये एक सेट है और इसके अंदर का एलिमेंट भी एक सेट है, तो कैपिटल लेटर से आप देखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी ऑफ यस, ए इज सबसेट ऑफ ए, हेंस रिफ्लेक्स। इस नाते रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ये लिखने आना चाहिए। ऐसे ही अगर आप एंटी सिमेट्रिक की बात करेंगे तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ यस इफ, या ऐसे ही ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, ये तो यूज ही किए हैं आप प्रूव करने में जब दो सेट इक्वल होते हैं, हो गया। थर्ड ऐसे ही If A is subset of B, B is subset of C, C is implies that A is subset of C. So transitive. तो आराम से आप इन बातों को प्रूव कर सकते हैं, मैं कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत इस पर टाइम दे चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इस पर समझाने वाला नहीं हूँ। डिविजिबिलिटी साइन पे भी मैंने न्यूमेरिकल्स करवा दिया था, जैसे ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है जेड प्लस this is a coset, is a coset,
तो पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए कि ए इसको रीड क्या करते हैं, डिवाइड्स, ए डिवाइड्स बी। यूजुअली हम लोग क्या इसका मतलब समझते हैं, बी डिवाइड्स। यदि कहीं लिखा है 15 5 तो इसका आंसर आप 3 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रीड करते हैं ए डिवाइड्स बी, तो मतलब 5 इधर होगा 15 इधर होगा तब 3 आएगा, ये गलत हो जाएगा यहाँ के कॉन्टेक्स्ट। तो ये ध्यान में रखना है, प्रोनाउंसिएशन इसका ध्यान में रखना है। ये डिवाइड्स इस रिलेशन का मीनिंग, यहाँ पे डिवाइड्स है, पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड, लेफ्ट वाला राइट वाले डिवाइड। तो यहाँ पे भी आप आराम से प्रूव कर सकते हैं कि इट विल होल्ड रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। बहुत आसान है, जैसे पहला, हर एक इंटीजर अपने आप को डिवाइड कर देगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अपने आप को आराम से, इवन केवल इंटीजर का सेट रहे तो भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हर एक इंटीजर अपने आप को डिवाइड कर देगा, इस नाते जीरो, इस नाते इंटीजर का सेट नहीं लिया गया, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जेड जीरो जो होता है जेड के अंदर रहता है, लेकिन जेड प्लस के अंदर जीरो नहीं रहता है, जीरो न्यूट्रल है, ना इधर पॉजिटिव ना निगेटिव। सो जीरो एक्सक्लूड कराने के नाते जेड प्लस, केवल जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट इसके अंदर आ जा रहा है जो प्रॉब्लम कर देगा जेड के अंदर, इस नाते निगेटिव इंटीजर का कोई भी समस्या है इस पर्टिकुलर, लेकिन जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रॉब्लम कर देगा, इस नाते पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर के सेट को लेकर इनको सेट आप प्रूव कर पाएंगे। सेकेंड, आप देखिए ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स ए, इसका मतलब है 100% इक्वल टू बी होना चाहिए, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। क्यों ऐसा है, तो आप कभी भी प्रॉब्लम हो तो एक एग्जांपल लेके, जैसे 3 / 6 इक्वल टू 2 आता है, लेकिन तो आप देखिए 6 3 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, ठीक है, ये नहीं डिवाइड कर पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब आप इधर 5 लिखिए और इधर भी 5। अब ये 5 इस तरफ कर दीजिए और इस 5 को इस तरफ कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों सेम एलिमेंट हैं, डिफरेंट नहीं। थर्ड देखिए, ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड सी, एंड इम्प्लाइज दैट ए विल ऑल्सो डिवाइड सी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड प्लस। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी आप एजिटेट हो ये एग्जांपल ले लिया करिए, 3 / 6 6 / 12 3 2 6 6 2 12 डेफिनेटली 3 will divide 12 क्योंकि 3 4 12। तो इस तरीके से आप कभी भी एजिटेट हो ये तो न्यूमेरिकल लेके वैल्यू लेके आप कर लीजिए और उसको एक जनरल वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए, ए बी सी। 3 6 12 आपने लिया तो यहाँ लिखते वक्त ए बी सी, 3 मतलब ए लिख दीजिए, 6 मतलब बी और 12 मतलब सी लिख दीजिए। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। अब नया एक वर्ड अब आ रहा है, अब आपकी लैटिस केस से रिलेटेड जो नई चीज़ अब आ रही है वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक टर्म है कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एक नया टर्म अब आप सीखेंगे, कंपेरेबिलिटी। तो यहाँ पे कंपेरेबिलिटी का मतलब जो है, द एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ ए पो सेट आर कॉल्ड कंपेरेबल इफ आइदर ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पे कंपेरिजन का मतलब बेसिकली रिलेशन, रिलेशन से मतलब है, दो एलिमेंट के बीच में अगर रिलेशन है तो इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट कंपेरेबल है। तो यहाँ पे हम सेंटेंस लिख रहे हैं, द एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ ए पोसेट, ऑफ ए पोसेट यस, एंड दिस इज स्पेसिफिक जनरल साइन फॉर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, दिस इज जनरल साइन फॉर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इट्स वैल्यू मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डिवाइड्स एनीथिंग, ठीक है, बट दिस इज जनरल साइन फॉर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इट्स वैल्यू मे बी एनीथिंग विच विल बी सुटेड फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिए, एंड दिस इज
different than this particular sign. This is not greater than equal to only. It has different meanings. So it should be care that this is not just this one. ये दोनों equal नहीं है. इसकी इसकी एक वैल्यू ये हो सकती है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है. ये इसकी वैल्यू ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, ये भी हो सकती है, और भी बहुत सारे कुछ हो सकते. ये ध्यान में रखना है. तो द एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ इपोसेट आर कॉल्ड कंपेरेबल इफ आइदर ए इज रिलेटेड टू बी और बी इज रिलेटेड टू ए बाय दिस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. तो मतलब ये है कि इनके बीच में अगर रिलेशन है, कोई भी दो एलिमेंट कंपेरेबल तभी हैं जब उनके बीच में रिलेशन. अगर रिलेशन नहीं है तो नहीं. जैसे आप कहते हैं 3 इज स्मॉलर देन 5, तो 3 5 से कंपेयर हो रहा है एंड देयर इज रिलेशन. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेशन? इज स्मॉलर देन. आपने जैसे लिखा 3 इज स्मॉलर देन 5. तो ये वी आर कंपेयरिंग दीज टू थिंग्स, दीज टू वैल्यूज 3 एंड 5. 3 छोटा है, 5 बड़ा है. एंड रिलेशन की वैल्यू क्या है? दिस वन इज स्मॉलर दैन. तो एग्जैक्टली ये तो अब आपके जो आज तक कंपैरिजन का मतलब बड़ा छोटा, यही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है. कंपैरिजन का मतलब है बड़ा है छोटा है, ठीक है, धनी है ज़्यादा धनी है कम धनी है, इस तरह से. मतलब बड़े छोटे के सेंस में बात होती है. बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, इट्स मीनिंग विल बी ऑलवेज स्मॉलर और ग्रेटर इज नॉट नेसेसरी. जैसे आपने लिखा 3 इज डिवाइडिंग 6, 3 डिवाइड 6, तो इट मीन्स अब ये आप नहीं कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है. मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वैसे तो 6 बड़ा है. तो ये आप रिलेशन की वैल्यू डिवाइड्स है, तो मीन्स these two elements are comparable because they are related by this particular relation. So always its meaning will be less than, greater than, it is not necessary because ye hamare habit mein aa chuka hai. Hum hamesha usi class karenge bada chhota. Comparison matlab bada chhota, bada chhota se sense nahi hai, relation se. So any two elements will be comparable for a particular given coset if there is relation between them. Either A is related to B or B is related to A. It is not necessary that both must at a time. A is related to B and B is related to A. Dono ek saath ho, aisa koi zaruri nahi. Kyunki ye aisa har ke saath ho gaya, tab to symmetric ho jayega. Anti-symmetric jabki nahi hona chahiye. Jabki anti-symmetric hona chahiye. To is wajah se ye sab baatein dhyan mein rakhni hai. To do element ke beech mein comparison tabhi sambhav hai जब उनके बीच में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है. दो एलिमेंट ये ध्यान रखना है. अब आप एक वर्ड देखेंगे टोटली ऑर्डर्ड और लीनियरली ऑर्डर्ड. टोटली ऑर्डर्ड और लीनियरली ऑर्डर्ड उस टर्म्स हम आपको आज इस यूनिट के बारे में बता देंगे. तो एक आपने वर्ड सीखा कंपैरेबिलिटी, दूसरा है इसमें टोटली ऑर्डर्ड और लीनियरली ऑर्डर्ड, जिसका दूसरा नाम है टोटली ऑर्डर्ड और लीनियरली ऑर्डर्ड. तो ये इसका सेंस ये है कि वहाँ पे क्या था, कंपैरिजन में जब आप कंपेरेबिलिटी पढ़े हैं तो एक पेयर के बारे में कुल बात की जा रही थी. ओनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू एलिमेंट्स, लेकिन टोटली जब आप बात करेंगे तो
कोई भी पेयर, जितने भी पेयर बन सकते हैं उस पर्टिकुलर पार्शियल ऑर्डर सेट में। तो जैसे आपने लिया यस और ये, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू अभी जनरल ही लेके चल रहे हैं, फिर बाद में इसका स्पष्ट कर देंगे। तो ये पर्टिकुलर सेट लिया गया, इसमें से एनी टू एलिमेंट, इफ फॉर एनी टू एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट का पेयर लेंगे और उनके बीच में कंपैरिजन अगर है तो ये टोटली ऑर्डर्ड होगा। तो फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ यस आर कंपेरेबल देन टोटली ऑर्डर्ड और लीनियरली ऑर्डर्ड। तो कोई भी दो एलिमेंट आप पिक करेंगे और उनके बीच में अगर कंपैरिजन है, कंपैरिजन का मतलब यहाँ पे रिलेशन से ही है। अब जैसे एक एग्जांपल लें, एक यस छोटा सेट ले रहे हैं, यस इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5 गैप कर दे रहे हैं, 7 8 15। और अगर मान लीजिए हमारा जो पार्सल ऑर्डर है उसके लिए ये स्पेसिफिक वैल्यू ले रहे हैं, तो देखिए ये पर्टिकुलर सेट टोटली ऑर्डर्ड या पार्सली ऑर्डर। क्यों? 1 is smaller than 2, 2 is smaller than 7, 7 is smaller than 8, 8 is smaller than 15, 2 is smaller than 15, 7 is smaller than 15, 1 is smaller than 7। मतलब कोई भी दो एलिमेंट टिक करिए रैंडमली, इसमें से उनके बीच में रिलेशन जरूर बनेगा, तो इस नाते ये टोटली ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर से सेंस है, यहाँ पे गलत सेंस नहीं लगाना। मान लीजिए 15 यहाँ लिख दें, 8 यहाँ लिख दें, 7 यहाँ लिख दें, अब ये रैंडम हो गया। तो आप कोई भी दो एलिमेंट पिक करिए, 2 8 पिक किया तो 2 is smaller than 8, ये दोनों पिक किया 8 is smaller than 15, तो कोई कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। कहा गया था शुरू में कंपैरिजन का मतलब आइदर दिस और दिस, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दिस इज जनरल साइन फॉर द पार्शियल ऑर्डर, दिस इज नॉट स्पेसिफिक साइन। इसकी वैल्यू ग्रेट, लेस दैन, ग्रेटर दैन, डिविजिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। और दिस साइन इज डिफरेंट दैन दिस वन, इसमें देखिए कर्व शेप में बना हुआ है, ये स्ट्रेट बना हुआ है, तो ये ध्यान में रखना है। लेकिन अभी आप बात करें 1 2 6 9, लेकिन आप साइन ले लीजिए यस और दिस, डिविजिबिलिटी साइन, तो वो आपका पार्शियल ऑर्डर या टोटली ऑर्डर, सॉरी टोटली ऑर्डर या लीनियरली ऑर्डर नहीं, टोटली ऑर्डर या लीनियरली ऑर्डर नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत सीधी सी बात है, 1 divides 2, 1 divides 6, 1 divides 9, 2 divides 6, 2 divides 9, sorry, 2 divides 6 but 2 does not divide 9, even 6 also does not divide 9, there is no relation between 2 and 9, there is no relation between 6 and 9. So this is not totally ordered or linearly ordered. Linearly ordered का मतलब है या totally ordered का मतलब है हर एक pair के बीच में comparability होनी चाहिए या comparison होना चाहिए, मतलब relation होना चाहिए। जो partial order relation दिया गया है उससे relate होना चाहिए, until unless this will be not totally or linearly ordered। तो ये terms आपने सीखा, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके कुछ उसमें दिए गए होंगे, उसको आप लोग पढ़िएगा। हालांकि मैं ये सब एग्जांपल ही बता रहा हूँ। अब जैसे इसी सिंपल क्वेश्चन मैंने ले लिया है, कुछ ही एलिमेंट्स लिया है, लेकिन अभी कहा जाए दिस इज ए कोसेट, पढ़ ही चुके हैं, दिस इज आल्सो कोसेट मान लीजिए, हालांकि ये पोसेट ही नहीं है, ठीक है, ये पोसेट नहीं है, इसमें कुछ आपको साइन रखना पड़ेगा।
तो नहीं नहीं सुनो, हो जाएगा, अभी पढ़ा है हमने, हम लोगों ने इसको पढ़ा है, सॉरी। तो दिस इज पोसेट, दिस इज पोसेट, बोथ आर पोसेट, दोनों पोसेट। लेकिन ये देखिए, ये टोटली ऑर्डर्ड या लीनियरली ऑर्डर्ड है, बट दिस इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड और लीनियरली ऑर्डर्ड, ठीक है। यहाँ पे जीरो भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से सिंपल इंटीजर ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव लेने की कोई दिक्कत नहीं है, जीरो भी कोई दिक्कत नहीं करे, बट यहाँ जीरो दिक्कत करेगा, इस नाते पॉजिटिव या नेगेटिव लेना पड़ेगा। जीरो कैन नॉट डिवाइड जीरो, व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर बाय जीरो इट इज़ नॉट डिटर्मिनिस्टिक, इट इज इनडिटर्मिनेट, सो वी विल एक्सक्लूड जीरो। सो आइदर वी विल टेक इन डिविजन केस पॉजिटिव इंटीजर सेट और निगेटिव इंटीजर सेट, नॉट, एंड जीरो इज न्यूट्रल नंबर, जीरो का कोई साइन नहीं है, तो इसलिए बात ध्यान में रखना है। पॉजिटिव मतलब विच इज ग्रेटर देन जीरो, एंड निगेटिव मतलब विच इज लेस देन जीरो, सो जीरो इज न्यूट्रल, जीरो के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो जीरो से बड़ा होता है, जीरो इज रेफरेंशियल डिजिट, और जीरो से छोटी जितनी भी होती है निगेटिव होता है, और जीरो से बड़े जितने होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सो जीरो ना तो निगेटिव इंटीजर के सेट में आता है, ना पॉजिटिव इंटीजर के सेट में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। उसी के रेफरेंस में ही पॉजिटिव निगेटिव का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व जो पॉजिटिव निगेटिव का है वो जीरो के रेफरेंस में है। सो जीरो कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा दोनों सेट में। तो और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जीरो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि व्हेन वी विल डिवाइड एनी इंटीजर बाई जीरो वी विल गेट इनडिटर्मिनिस्टिक वैल्यू, मीन्स नॉट डिटर्मिनिस्टिक, सो इन वो वी हैव टू इंक्लूड एक्सक्लूड जी टू जीरो। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, और ये भी पता आ गया कि ये क्यों टोटली ऑर्डर्ड या पार्शली ऑर्डर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें थ्री भी है, सेवन भी है, थ्री कैन नॉट डिवाइड सेवन, टू कैन नॉट डिवाइड सेवन, एक भी एग्जाम्पल आपने ढूंढ लिया काम खत्म। सो दिस इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड और linearly or, but here there any for any pair we can establish this relation. 1 5, 1 is smaller, 5 2 9, 2 is smaller, 9 is bigger, 1015, 1019, there is relation. So यहाँ पे partial order है, totally ordered और linearly ordered है, but here नहीं। तो ये बातें ध्यान में रखिए, next टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।